जो आज बड़े सभ्य नजर आ रहे हैं, ये कल तक ये उस रिपोर्ट पे बाकायदा डिस्कस कर रहे थे, और मैंने भी आपसे उस पर मैंने कोट किया था आपको भी कि ये गलत कर रहे हैं आप लोग, के रिपोर्ट जो लीक रिपोर्ट है उस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं। आज जब फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तब ये खामोश हुए हैं। ये जो सभ्य नजर आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है। तो सवाल इतना सा नहीं है, अभी इस केस के तो बहुत पहलू हैं, अब सारे पहलू जाहिर बात है मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्कस होंगे मतलब और जो फैसला आएगा उसका। नहीं नहीं, सभ्य से क्या मतलब है आपका, और सुनिए मेरी बात, मीडिया अगर लीक्ड रिपोर्ट दिखा रहा है, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, अगर सवाल है किसने उसे वाजिब ठहराया कि रिपोर्ट को लीक किया जाना चाहिए, किसने इस बात को डिफेंड किया? सरकार के लोग उसको सही ठहरा रहे हैं। हाई मॉरल ग्राउंड क्यों ढूंढते रहते हैं? सरकार का मतलब क्या है? इज पुटिंग हिज व्यू पॉइंट, यू आर पुटिंग योर व्यू पॉइंट। अब लोग यही जो आज सभ्य बने हुए हैं, कल उसको अच्छा से अच्छा बता रहे थे, कल उसी पे बहस कर रहे थे ये लोग। आप इनसे इनको तो कटघरे में खड़ा करेंगे। चलिए मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं, मैं मानता हूं कि आप उसके फेवर में नहीं है। चलिए आपने गोपनीय भंग भंग जो जिसकी गोपनीयता भंग हो गई उसको दिखा दिया। बेनिफिट ऑफ डाउट के आपके बेनिफिट ऑफ डाउट की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी अदालत में पेशी नहीं करती हूं। सुन लीजिए मेरी बात, आपके मैडम इनसे तो पूछिए, ये तो सरकार में है, अदालत जो है वो जनता की अदालत है, ये वकील भी है सरकार में भी है, कल क्यों बहस कर रहे थे उस पे? आज तो कह रहे हैं कि हां सब नहीं होनी चाहिए, से जवाब ले लीजिए, सुन लीजिए। तो आपने शायद उनका आपने शायद उनका इनिशियल कमेंट नहीं सुना, आपने उनका इनिशियल कमेंट नहीं सुना, आपने एक बार फिर से सवाल उठाया। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स प्लीज। अदिति जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ये मुस्लिमीन पार्टी जिसके नाम में ही मुस्लिमीन है, इसमें फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। आपके चैनल पे राष्ट्रप्रवक्ता होने के नाते हमने तो कहा ना, जो फैसला न्यायालय का आएगा हम मानेंगे, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि न्यायालय की मानिए, आप तो न्यायालय का समर्थन ही नहीं कर रहे हैं, सम्मान ही नहीं कर रहे। प्लीज शांत शांत, देखिए शांत करें, मैं शांत हूँ, मैं तो सिर्फ आपको एहसास करा रहा हूँ। जब आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया ना आपको, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए हुआ क्या कि न्यायालय में मामला चल रहा था, लेकिन ओएसी जी बोल रहे थे कि ये ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी। कैसे रहेगी जी? अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि ये ज्ञानवापी मंदिर है, तो क्या करेंगे ओएसी जी? आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके जो ग्रेड है उससे ऊपर का सवाल है। दूसरी बात, हुआ क्या इतिहास में, देखिए अयोध्या मामले में ओएसी जी का ट्वीट मेरे हाथ में है, उन्होंने कहा ये फैसला आने के बाद है सर्वोच्च न्यायालय का, कि ये बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, और ये क्या है, ये न्यायालय की अवमानना है। लेकिन ओएसी जी तो वो है जिनके छोटे भाई औरंगजेब की मजार पे जाते हैं, और अदिति जी ये लोग मुगल को अपना आदर्श मानते हैं। आप लीक रिपोर्ट पे बोलिए ना, आप लीक पे बोलिए, जिसका सवाल है आप इधर उधर मत भागिए, उस पर भी हम जवाब देंगे। आप ये बोलिए जो कल तक आप बहस कर रहे थे, आज सब में कैसे हो गए अदिति जी? आप लीक रिपोर्ट पे बोलिए ना, नहीं लगता आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? हम उस पे भी बोलेंगे, मैं आपको मैं जवाब दूंगा, आपके ग्रेड हो सकता है आपका ग्रेड इस लेवल के ना हो, लेकिन मैं जवाब देने जाऊंगा आपको। मुझे दूसरे गेस्ट को भी जगह देनी है प्लीज, मैं आपकी बात पूरी कर लूं, ये तरीका भी टाइम देना है प्लीज। करीमुल हफीज, धन्यवाद प्लीज। देखिए मैं अब दर्शकों के लिए एक बात कहूंगा, जितनी बार ओएसी जी ने या इन्होंने जो ब्रीफलेस बैरिस्टर हैं, संविधान बोला नहीं होगा, उससे ज्यादा संविधान पढ़ा है हम लोगों ने, न्यायालय में गए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में इनको ये बता दूं, पहली बात वो चैलेंज्ड है, सर्वोच्च न्यायालय ने ही उस पर नोटिस कर रखा है। दूसरी बात, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर इतना अच्छा लगता है, उनका सवाल लीक रिपोर्ट को लेकर है, उस पर आपका जवाब। लेकिन उससे उसके जो तथ्य हैं, जिस बात पे रिपोर्ट आती है वो गलत नहीं हो जाता है, दोनों का फर्क समझिए। तभी मैंने कहा कि रिपोर्ट लीक हुई, न्यायालय उसका संज्ञान लेगा, आप गलत लेकिन जो तथ्य सामने आए और मीडिया ने भी उजागर किया है, सूट में सरकार नहीं होती है, सूट में सरकार नहीं होती है, आपको पता नहीं है, आपको वादी होता है प्रतिवाद। देखिए आप कहीं से भी किसी को ले आते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि एक सूट में सरकार नहीं होती है, इनको ये भी नहीं पता है वादी और प्रतिवादी के बीच में है सूट। अब नहीं पता तो कौन सिखाएगा? बैरिस्टर ओएसी थोड़ी ना सिखाएंगे, उनको तो खुद ही कानून नहीं आता, वो तो सीए का बिल फाड़ देते हैं।
तो इसलिए कोई बात नहीं, आप कभी आइएगा चाय पीने, मैं दिखा दूंगा। मौलाना पहले मौलाना अखिलेश जी सीख के आए थे, अब आपको मोदी जी हमेशा से सिखा रहे हैं, आप बहुत अच्छे पार्टी में सिखा रहे हैं, आप लीग रिपोर्ट में बोला नहीं करते, इधर उधर की बातें कर रहे हैं और आप अपने आप को वकील भी कहलाते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि आप कैसे वकील हैं, आपको जो सीधा सवाल दिया जाए कोई बात नहीं, आपको सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए, ब्रीफलेस बैरिस्टर से जाके बात करिएगा। एक आज तक उनका रिपोर्टेड जजमेंट नहीं होगा, मैं 100 से ऊपर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दिखा दूंगा आपको। अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आपको बहुत सुशील होकर 41 साल की उम्र में उसको हम बाकायदा उसकी साध्वी गीतांबा, साध्वी गीतांबा जल्दी से मैम आपका कमेंट जल्दी से। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मामला डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर किया गया और जो डिस्कशन आपने सुना कुल मिलाकर वही बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। बिल्कुल सही हुआ है और हमारा अदालत जो बनारस का है वो निर्णय करेगा, हम लोगों को मान्य होगा और सबूतों के आधार पर निर्णय होता है। सबूत अपने पक्ष में है, सब कुछ मेरा है, वजू खाना में भगवान को इन लोगों ने कैद किया था वो भी मेरा है और ज्ञानवापी की जितनी दीवारें हैं अगर उसको अंधा आदमी भी टटोले तो वो भी मेरा है। ऊपर एक टोपी इन्होंने लगाया है, वो टोपी उतर जाएगा, मंदिर निकल आएगा, बात खत्म हो गई। नहीं, ये आपका दावा है, नहीं ये तो दावा नहीं है, ये सच्चाई किसका है? क्या है ये तो अदालत डिसाइड करेगी। काशी का दावा है, नहीं नहीं, काशी का बच्चा बच्चा जानता है कि ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है, क्योंकि हम लोगों के संस्कारों में ही ये घोला गया है कि ये मंदिर है, तो इसको कोई नहीं नकार सकता, ना हिंदू नकार सकते हैं ना मुसलमान। वो अलग बात है कि गले के ऊपर से बोल रहे हैं तो बोले, कुछ दिन की बात है, बोल लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि संतोष के लिए बोलना ही पड़ेगा। लेकिन अदालत प्रमाणों से चलती है, आस्था से नहीं चलती। तो प्रमाण ही तो है मेरे पास, मेरे पास सारे प्रमाण है, नंदी प्रत्यक्ष प्रमाण है, नंदी को आप देखिए तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, पंचगंगा घाट प्रत्यक्ष प्रमाण है और मणिकेश्वर मणिकर्णिका घाट मेरे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है मौलाना मोहम्मद असलम, हमारे यहाँ प्रमाण साथी आपके कहने भर से प्रमाण होते नहीं है, लेकिन आप प्रमाण का दावा कर रही है, आप सुन लीजिए मौलाना मोहम्मद असलम। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब से होश संभाले हैं तब से उसको हमने मस्जिद के रूप में देखा है और उसमें हम खुद नमाज पढ़े हैं, वजू बनाया है। अब रही है कि आज वो अदालत का मामला बना हुआ है, मैं अदालत का सम्मान करता हूँ। बिल्कुल, जहाँ तक दावे की बात है, करना चाहिए आपको। जहाँ तक दावे की बात है तो वो मस्जिद आज की नहीं है, अंग्रेज के पहले मुगलिया बादशाह आए, अकबर के जमाने से आलमगिरी नाम था उस मस्जिद का, ज्ञानवाफी नाम से वो मस्जिद नहीं था। ज्ञानवाफी तो ज्ञानवाफी के नाम बोलते हैं आप, ज्ञानवाफी तो उस मस्जिद ज्ञानवापी क्यों बोला जाता है, सब जगह लिखा है ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतिहास में जाएंगे तो आप हार जाएंगे मौलाना जी, इतिहास में मत जाइए, आप अपने जबान पर पक्के रहिए। वो तो इतिहास मेरे पक्ष में है, मस्जिद के बारे में तो अभी तक औरंगजेब का ही इतिहास मेरे पक्ष में है। इतिहास नया इतिहास पढ़ाना शुरू कर दिया आज आपने, आज आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, इतिहास तो स्वीकार लीजिए, वो बाकी तो कोर्ट डिसाइड कर लेगी, लेकिन इतिहास के साथ तो किसी तरह जबान पर उसके उसके तो डिनाइल में मत रहिए मौलाना साहब। इतिहास का पन्ना पन्ना बोलता है कि वो ठीक है। मुफ्ती मंजूर जिया यहाँ पे कमेंट करना चाह रहे हैं, उनका एक कमेंट ले लेते हैं। भाई अदालतें तय करेगी, मुफ्ती मंजूर जिया जी मैं आपको और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, जो रही हैं कि यकीनन अदालतें तय करेंगी, मैं भी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यकीनन अदालत अब तय करेगी क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। लेकिन तारीख पढ़ने और पढ़ाने की जहां बात है तो मैं आपको बताऊं कि तारीख हर एक को पढ़ना चाहिए और हम आपके ऊपर तारीख पढ़ने और पढ़ाने के बारे में थोपे नहीं कि आप हमारी तारीख पढ़ लीजिए जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। तारीख के औराक पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोडरमल ने भी उस मस्जिद की तजदीदकारी की है, उससे पहले भी उस मस्जिद की तजदीदकारी हुई है, औरंगजेब ने भी तजदीदकारी की है। लेकिन साध्वी जी जरा ये बताएं आप कि उस मंदिर को जो कि काशी विश्वधाम है, बहुत ही सम्मानजनक है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, तो लेकिन आप ये जरूर बताएं कि उस वक्त जब औरंगजेब के जमाने में वहां पर तोड़ फोड़ की गई थी, कच्छ के राजाओं ने आकर के तोड़ा था, तो क्यों तोड़ा था, कच्छ के राजा कौन थे और महारानी के साथ वहां क्या तकलीफ हुई थी, जिस बुनियाद पर वो हादसा पेश आया, और भी औरंगजेब के आसपास इलाके में भी और भी मंदिर थे, तो क्या उस मंदिर को तोड़ा नहीं था उन्होंने। एक मिनट, अब मैं आपको बताऊं, रुक जाइए मैडम। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।